हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों शिवजी और पार्वती को बना रहे हैं मिट्टी की मूर्ति, तो बन रही है क्या वीडियो में। पहले तो बेस बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मिट्टी लेंगे थोड़ा सा और कुछ इस प्रकार से पीट पीट करके बना लेंगे पत्थर, बेस बना लेंगे। पत्थर के ऊपर बैठे हुए होते हैं शिवजी और पार्वती माता, तो इसी प्रकार से बना लेंगे और पानी के मदद से कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे। और इसी के ऊपर में बना लेंगे कुछ इस प्रकार से लंबा सा क्वाइल बना लेंगे और इसी को पैर बना लेंगे। इसी प्रकार से बैंड करके इसी प्रकार से बना देंगे। शिवजी को पहले बना देते हैं, पैर को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से मिट्टी थोड़ा ज़्यादा लेंगे और चपटा करके कुछ इस टाइप से वहाँ पे पेट बना लेंगे और वहाँ से पैर के साथ जॉइंट कर लेंगे और बॉडी में थोड़ा बहुत मिट्टी देते जाएंगे। जिस हिसाब से बॉडी बनाएंगे उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करते जाएंगे। शरीर का इतना बना देने के बाद अभी शिव जी का बाकी ख्याल को बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से पतला सा स्लेब बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चिपका देंगे, जॉइंट कर लेंगे और इसी हिसाब से दोस्तों वहाँ पे जॉइंट करते जाएंगे तो हो जाएगा हमारा बाकी ख्याल। इसी के ऊपर में थोड़ा सा डिजाइन भी कर लेंगे। इतना शिव जी को बना देने के बाद आधा पार्वती माता को भी बना लेते हैं। पहले तो जैसे शिव जी को बनाए थे पैरों को, उसी के प्रकार से दोस्तों पार्वती माता को भी बना लेंगे। लंबा कॉइल लेंगे और कुछ इस प्रकार से पैर बना देंगे और इसी के ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी लेंगे और पेट बना लेंगे कुछ इस टाइप से, वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते हो साड़ी का बना रहे हैं, उसी प्रकार से बनाते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नीचे से बनाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में नीचे और बना लेंगे तो कहाँ कहाँ पे टच होता रहेगा तो वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए नीचे से फिनिशिंग मतलब पूरा बनाते जाएंगे। इसलिए दोस्तों साड़ी को कुछ इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों, जैसे बाकी काल को बनाए तो उसी हिसाब से उसी प्रकार से पतला पतला स्लेब बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से साड़ी का फोल्ड और बनाते जाएंगे। टूल की मदद से साड़ी के फोल्ड को कुछ इस प्रकार से बना देने के बाद वहाँ पे ब्रश की मदद से कुछ इस टाइप से फिनिशिंग कर लेंगे। इतना बना देने के बाद अभी कमर बंधन के भी बना लेंगे। शिव जी को तो हो गया, अभी पार्वती माता को कलर मतलब कमर बंधन बनाने के लिए पतला सा पॉइल बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे कमर में चिपका देंगे और साइड साइड में लड्डू की तरह छोटा छोटा वहाँ पे चिपका देंगे और थोड़ा सा सिंपल सा डिज़ाइन बना लेंगे टूल की मदद से। और एक बात दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। आगे इसी मूर्ति को कलर और डेकोरेट भी करने वाले हैं दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा तो आगे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा। अभी दोस्तों ऊपर में जो साड़ी होता है पल्लू, वो उसी को बना रहे हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से। वहाँ पे बना लेंगे पतला सा स्लेब बना करके और वहाँ पे टूल की मदद से फोल्ड को भी बना लेंगे। दोस्तों साड़ी का फोल्ड बनाने से पहले हाथ को बना लेते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से पतला सा क्वाइल बना लेंगे और दोस्तों कुछ इस प्रकार से बैंड करके छोटा छोटा क्वाइल बना करके उंगलियाँ भी कुछ इस टाइप से बना लेंगे। और पहले ही दोस्तों हाथों की जो ज्वेलरी होता है वो सब बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों बाद में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले ही बना करके वहाँ पे चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से, शरीर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों सब शिव जी का, पार्वती माता का, सबका हाथ बना लेंगे। तो बने रहेगा इसी प्रकार से वीडियो में अंत तक। मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंत में।
सब कुछ बना देने के बाद अभी शिव जी का जो कि ऊपर में होता है गंगा जल और चांद को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं पार्वती माता और शिव जी। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।